हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सबसे ज़्यादा PTOHP वाला ट्रैक्टर, जो सबसे कम डीजल में आपको सबसे ज़्यादा रोटावेटर में माइलेज देगा। उसका नाम है आइसर 551, यानी कि आइसर 551, जो 50 HP की श्रेणी में आता है। 49 पॉइंट कुछ उसका इंजन है और ये वाटर कूल्ड है, एयर कूल्ड नहीं है, ठीक है। ये आपको डुअल क्लच में मिल जाएगा। फेंडर पे इसकी सभी स्पेसिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी, डुअल क्लच मिल जाएगा। टॉप मॉडल ट्रैक्टर है ये, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ और सेमी फ्लैट प्लेटफॉर्म है। OIV ब्रेक है इस ट्रैक्टर में। ये सिंगल स्टेप रख के आप प्लेटफॉर्म पर जो है चढ़ सकते हैं। साइड माउंटेड आपको इसमें मोबाइल चार्जर मिल जाएगा विथ वाटर प्रूफ केस कवर, ठीक है। तो ये इसमें पानी आने का भी आपको डर नहीं रहेगा इसमें, कि पानी वगैरह हमारे फ़ोन में चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हाई लो में आता है, ठीक है। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ ही आपको मिल जाएगा। और 5 भी एडजस्टेबल सीट है, साथ दी गई आपको 1, 2, 3, 4 और न्यूट्रल रिवर्स, ठीक है। और 5 भी एडजस्टेबल मिल जाएगी सीट आपको इसमें। और PC लीवर और DC लीवर, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। फेंडर की साइड है वो PC लीवर है और जो सीट की साइड है वो है DC लीवर है, ड्राफ्ट कंट्रोल। बात करें ब्रेक्स की तो OIV ब्रेक, ऑल इमर्ज्ड मल्टी डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाएंगी। साइड माउंटेड बैटरी दी गई है आपको विथ कवर। और ये है ब्रेक, हैंड ब्रेक जिसे पार्किंग गियर भी कहते हैं वो है ये। और ये है 3 स्पोक व्हील। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो जो हावर मीटर है वो आपको डिजिटल है, बाकी सब एनालॉग में मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिजिटल मीटर अच्छा है, काफ़ी है। और रात के समय इसमें लाइटिंग वगैरह का भी इसमें दिया गया है। और मफलर जो है साइलेंसर वो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा, 485 में लेफ्ट हैंड साइड था। और सामने आपको 3 स्टेज ऑल बात का वी टाइप का एयर क्लीनर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ड्राई टाइप का आपको एयर क्लीनर नहीं मिलेगा। ये बात करें टूल बॉक्स की तो आपको राइट फेंडर पे आपको टूल बॉक्स जो है फ्रंट में मिल जाएगा। नीचे डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर है आपका जो बाहरी है, अगर कोई खराबी वराबी होती है तो आप बाहर से इसको ठीक करवा सकते हैं। आपको अंदर ट्रांसमिशन खुलने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फ्यूल स्विच दिया गया है इसमें। ये इनलाइन फ्यूल पंप के साथ ट्रैक्टर आपको मिल जाता है, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ, काफ़ी मजबूत पावर स्टीयरिंग है इसकी। बात करें फ्रंट एक्सल की तो आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिलेगा, स्ट्रेट एक्सल है, ठीक है। स्ट्रेट एक्सल आपको मिलता है, ये आइसर का नाम है। और बात करें टायर की तो 7.5 50 का, यानी 7.5 16 का आपको इसमें टायर मिल जाएगा। ये आइसर का लोगो है, फ्रंट में वही हेलोजन लैंप आपको दिए गए हैं और साइड में रिफ्लेक्टर दिए गए हैं आपको, ऐसा कुछ लुक दिखता है आपको रिफ्लेक्टर का। और पीछे है आइसर की जो बरेली में है, UP में एजेंसी, उसका दिया गया है, नंबर भी दिया गया है। आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ स्पोक डिजाइन दी गई इसमें। इसमें आपको टेंडम पंप मिलेगा, डबल पंप नहीं मिलेगा, इसमें टेंडम पंप मिलेगा, यानी पंप तो दो ही होते हैं लेकिन वो एक ही साफ्ट से कनेक्ट होते हैं। यदि एक पंप ख़राब होगा तो आपको पूरा सेट ही बदलवाना पड़ेगा, उसमें अलग अलग पंप चेंज नहीं होगा। ये है इसका, ये पूरी एक रॉड से ही ये कनेक्टेड है तो आपको इसमें। और ये बड़ा सा आपको हाइड्रोलिक फिल्टर मिलेगा, जिससे जो भी आपकी पावर स्टीयरिंग रॉड है या पंप है इसकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। वाटर सेपरेटर जो भी है उस सब आपको ट्रैक्टर में मिल रहा है। 1800 kg का आपको लिफ्ट कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में मिलेगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़े हैं, ब्रॉड टाइप के इसके प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। रियर व्यू मिरर इसमें आपको मिलेगा, इसकी वेजिंग है, इसका टूल बॉक्स है, प्लास्टिक का टूल बॉक्स देती है, गलत करती है कंपनी, लोहे का ही टूल बॉक्स देना चाहिए जिससे उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी रहे, ठीक है। रियर टायर की बात करें तो 14, 9, 28 के आपको इसमें रियर टायर वो देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन है आपके पास, यदि आप 16 का भी लेना चाहते हैं इसमें 16 का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। रियर लिंकेज की बात करें तो सिंगल साइड आपको इसमें मिल जाएगा एडजस्टर। और स्ट्रेट एक्सल है पीछे का एकदम, इसमें एपिसाइक्लिक रिडक्शन वगैरह नहीं दिया गया है। और कॉस्ट कटिंग की बात करें तो डबल स्क्रू वाल्व या सिंगल स्क्रू वाल्व कोई भी कंपनी नहीं दिया है आपको, आपको खुद ही एडजस्ट कराना लगाना।